फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेलना पर चर्चा करेंगे। ये कल से चर्चा का विषय बना हुआ कि हेलना क्या है, तो आपको हम बता दें हेलना एक मिसाइल है। वो भी कैसी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि यह टैंक को पूरी तरह से नष्ट करने में या फिर उसको तबाह करने में सक्षम है। इसका निर्माण भारत में हुआ है और इसका निर्माण DRDO ने किया है। किसने? DRDO ने किया है। एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मदद से भी इसको फायर किया जा सकता है, इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक, इसका वजन की अगर हम बात करें तो यह 45 किलोग्राम भी है। अगर हम विस्फोटक की बात करें तो यह अपने साथ 8 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यह 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की रेंज में फायर कर सकती है। ठीक है, इसका परीक्षण कई दिनों से चल रहा है, जो कि राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका परीक्षण किया गया, लेकिन कल यानी कि मंगलवार को इसका परीक्षण लद्दाख के ऊंचे क्षेत्रों में भी किया गया, जहां पर पूरी तरह से सफल रहा है। अब जहां पर हमारी सेना को ऊंचे स्थानों में जाने में कठिनाई होती थी, वहां पर भी इस हेलीकॉप्टर की मदद से आराम से फायर किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से फायर किया जा सकता है, वहां के टैंकों को तबाह किया जा सकता है। टैंक को ही नहीं, ये बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेदने में सक्षम है। ये जो हेलना है ये फायर एंड टारगेट मोड पर काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार टारगेट को लॉक किया तो यह पूरी तरह से भेद देगी, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दुश्मन का टैंक, ये मिसाइल है, यहाँ से अगर दुश्मन का टैंक यहाँ है, अगर इसको टारगेट लॉक किया तो यह यहाँ पर भेद देगी। अगर दुश्मन का टैंक मूव करता है और यहाँ पर आ जाता है, तब भी यहाँ पर ये इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर सिस्टम की मदद से टारगेट अगर मूव करता है तब भी ये इसे भेद देगी। अगर हम इसकी बात करें हेलना की, तो यहाँ से हेली लिया गया है, हेली, और यहाँ से जो नाग अपने यहाँ नाग मिसाइल का आविष्कार या विकसित की गई थी, इसका अपग्रेड वर्जन है, तो यहाँ से ना लिया गया NA, तो इसका नाम रखा गया हेलना हेलीकॉप्टर की मदद से। ये हेलीकॉप्टर जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये भी पूरी तरह से अपने भारत में निर्मित किया गया है, इसका निर्माण भी भारत में किया गया है। ये बहुत ही हल्का हेलीकॉप्टर है, इससे इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से भी इसको फायर किया जा सकता है, और ये सभी मौसम में काम करता है, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई भी हो, और दिन रात वो किसी भी समय ये फायर करने के लिए रेडी है, और इसे बहुत जल्द भारतीय सेना में सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से सेना में शामिल होने के लिए तैयार है, रेडी है। ये थी हेलना पर पूरी जानकारी। इसमें दो मोड है, एक हिट मोड, दूसरा अटैक मोड। हिट मोड होता है कि अगर यहाँ पर दुश्मन का टैंक है, यहाँ से फायर किया जा सकता है, तो ये सीधा फायर कर देगी। अगर दुश्मन का टैंक बहुत ऊंचाई पर है तो ये सीधा जाएगा पहले फायर के बाद, पर यहाँ पर इस तरह से हिट किया गया है। इसका मतलब इसमें दो मोड है, एक हिट मोड, एक टॉप अटैक मोड। ठीक है, यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सा भाग अच्छा लगा।